अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो भाई आज का सीन ये है कि अब डे थ्री शुरू हो गया है, मतलब डेली व्लॉगिंग का। जो व्लॉग्स अगर अपलोड करने हैं, आज से कंटेंट बहुत बदल गया था। आज का सीन ये था कि आज मैंने जाना है, एक इनविटेशन था मुझे, फैशन डिज़ाइनिंग की एग्जीबिशन थी, वो एक पूरी पाकिस्तान इंडस्ट्री फैशन डिज़ाइनिंग कुछ ऐसा ही था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो वहाँ से मुझे एक इन्विटेशन था कि तुमने साथ जाना है, हालांकि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है चीज़ों में, लेकिन अ कंपनी के लिए मुझे साथ लेके जाया जा रहा है। सो अब बस वहाँ तैयार शैयार होकर जाना, उससे पहले बस मैं जो नाश्ता और मिश्रे का इंतजाम है ये अपने घर वालों को करके दे दूँ, खुद भी नाश्ता कर लूँ, और फिर उसके बाद हम तैयार होकर जाएंगे वहाँ। लिटरली मैंने इतनी ज़िंदगी में इतनी जल्दी काम कभी नहीं किया जितना मैंने सिर्फ इस बंदे के लिए किया, क्योंकि वो बंदी मुझे पाँचवा या छठा फ़ोन कर चुकी है। अब सिर्फ खैर नाश्ता नुश्ता हो गया है डन, मम्मा की चाय भी हो गई तैयार, अब बस मेरी और तैयार की कोल्ड कॉफ़ी रह गई है, वो बनानी है, बस ये भी तैयार हो जाए। वो मुझसे पूछती निकल गई है, अब जब इसने ब्लॉग देखना था, जब मैंने इसको कहा ना कि मैं अभी राइड करवा दी, तब मैं घर में खड़ी थी और मैंने इसको कहा मैंने राइड करवा लिया, तो बस अब ये डालनी है। बाकी कोल्ड कॉफ़ी भी हो जाएगी तैयार, नाश्ता भी हो जाएगा, बस मैंने तैयार होना है और फिर फ़ौरन निकलना है। और मुझे चौथा या पांचवा फ़ोन कर चुके हैं, मैंने उसका एक भी फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि मुझे पता मेरी वाह हो जानी है अगर मैंने एक भी फ़ोन उसको उठा दिया। तैयार भी इतनी स्पीड से ही हुई हूँ और जितने काम थे मैंने सारे कर दिए। मामा मैंने सारे कर दिया, पानी उबाल दिया, बर्तन धो दिए, नाश्ता करा दिया, कुछ भी नहीं है अब। अभी वाले नाश्ते वाले बर्तन मैंने धोए हैं, अस्तगफिरुल्लाह। अब मैं आपकी जेल से बाहर जा रही हूँ, बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। बस राइट आज, और फिर उसके बाद जाऊंगी मैं, क्योंकि वो बंदी है ना, अब पक्का मैं गई है, मेरा सर फाड़ देना उसने। किस्मत में कभी कभी मेरा साथ देना हो तो ये होता है कि रिक्शे वाले अच्छे मिल जाते हैं, जो कि फास्ट एंड फ्यूरियस मोड पे जो है ना वो रिक्शे को चला के मुझे टाइम पे पहुंचा देते हैं। एंड टेंटेड आ हेयर वी आर, हमें पता था कोई नहीं है, ये सिर्फ ये बंदी गूगल मैप के साथ जग जा रही है और इसको पता कोई नहीं है मैं अपनी मामा की वाहिद बड़ी बेटी हूँ और इसने मुझे गुम कर देना। अगर मामा मैं गुम गई इसका कसूर है? गूगल मैप की वाहिद तो कैसे गुम सकती है भाई? गूगल मैप सबसे ज्यादा बंदे को पागल करता है, वो पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाता है। ये वाला गूगल मैप, ये दोनों पागल कर देते भाई, कोई दीन मान नहीं है किसी का। मुझे तुम दोनों पर यकीन नहीं, मैं नहीं तुम्हें जानती, तुझे जानती हूँ, तेरे साथ आई हुई हूँ मैं। लेकिन खैर अभी हम ढूंढ लें कि वो है कहाँ, नहीं तो फिर देखते हैं गलियों गलियों से नाप नोक के एम्पोरियम घूम जाएंगे फिर हम। ठीक है, टेंटेड आ हेयर वी आर, नहीं घूमे हम भाई, बच गए हैं। ये है भाई यूनिवर्सिटी के सीन्स, हमें पता था कोई नहीं है अभी भी, ये बंदी मुँह उठा के मुझे उठा ले आई है यहाँ पे। हाँ ये सारी यूनिवर्सिटी है भाई, भाई सारा कुछ एक तरफ, यहाँ तो सारे बुर्गर्स पढ़ते हैं। चोरी हो रही है नहीं, इसलिए ना मेरे घर वाले मुझे अकेली को बाहर नहीं जाने देते, क्योंकि मैं अपनी हरकतों से बाहर नहीं आती। यार चलो हमने क्या ढूंढना है, हमें कहाँ जाना है? हम घूमने आए हैं सिर्फ। चलो ठीक है, ढूंढते रहो। यहाँ भी आंटी भी, लड़की भी है। एग्जीबिशन ये दूर कोई आर्ट एग्जीबिशन लगी है, वहाँ से घूम के आते हैं ना वापस। यार ये ना हम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, मतलब ओवरऑल बड़ी यूनिवर्सिटी जिनकी होती है ना, उनको ये खासा मसला होता है, कीड़ा होता है हम लोगों को ना, वो लगता है कि जो बाकी यूनिवर्सिटी है ना वो छोटी हैं, आप आंखें बंद करो आप दूसरा बंदा आपको मिल जाता है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में तो बात हो आपको वही बंदा ही नहीं मिलता। आप एक बंदे को एच एस का को 10 मिनट पहले घंटे बाद आप सोका बैठे होते हो। बाबू देखो सामने, यार इज टू प्रीटी गुड, देखिए मुझे बस ये नहीं समझ आ रही यूनिवर्सिटी इतनी छोटी सी क्यों है, छोटू सी है। ओ फिर कौन से मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही है, यूनिवर्सिटी वालों ने अपना वो किया हुआ है या फिर लाइक किसी और को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट ब्रांड्स को? लेकिन यार हमारे यहाँ तो उन्होंने सब सना सफीना के भी लगाए हुए थे, बट ओवरऑल इट्स प्रीटी गुड यार, नॉट बैड। ये डिटोरियम है उनका जहाँ पे वो उसने कह के भेजा ना मैं भाई बहन साइड पर होंगे तो कुछ होगा ना। What's that?
बंदी मुझे दोबारा कभी नहीं लेके आएगी अपने साथ। डिफरेंट डिफरेंट है यार, समझ नहीं आती यार ये ना, ये मैंने एक दो दफ़ा देखा, मुझे लगा कि मेरी नज़र का धोखा है, लेकिन ये ऊपर जा रहा है और कभी नीचे आ रहा है, ये क्या सीन है? ये जो बंदी मार्केटिंग वाली आई है ना मेरे साथ, इसी को बताओ मार्केटिंग कर यार, ये क्या सीन है बताओ हुआ मुझे, ऐसे कैसे ये ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है? मतलब जिसने पहनना होगा मशीन पहनने के साथ तो ऊपर जा। अब मैंने और हुबा ने डिसाइड कर लिया अब हम मार्स पे जा सकते हैं क्योंकि मार्स के कपड़े आ गए हैं। टू यारी उन्होंने जिन्होंने कपड़े डिज़ाइन किए हैं ना उन्होंने मेरा ब्लॉग देखी है ना, उन्होंने मुझे कॉपीराइट क्लेम भेज देने। यार ये पूरी एग्जीबिशन में ना ये एक ये प्रोमिनेंट ये बड़ी प्यारी चीज़ लगी है मुझे, सिर्फ मैं ना साइड पर हो यार। एंड व्हाट्स दैट ब्रदर, व्हाट्स दैट ब्रदर, व्हाट्स दैट? ये लोग ना मतलब लाइक ठीक है ये एग्जीबिशन प्यारी है, नॉट बैड, बट ये लोग ना अपने अपने कुछ इनकी इंट्रोडक्शन नहीं है, ये लोग बाकी ब्रांड्स को कर रहे हैं। यार इट्स दिस इज़ माई ड्रीम यार, इस ये डॉल हाउस लग रहा है बिल्कुल, इतना प्रीटी है यार ये, देखो इतना प्यारे रूम्स बने हुए हैं, इन्होंने रूम बनाए हैं, स्टेयर्स बनाई हैं, प्यारी सी वार्डरोब लगाई हुई है इन्होंने। मेरा हमेशा से ख्वाब रहा है कि मुझे इस तरह का डॉल हाउस मिलना चाहिए। वहाँ भी है कुछ अरे स्लाइड भी है यार, ये बहुत क्यूट है हुबा, मैं जी 360 के एंगल पर घूमा रही हूँ यार। तो ये लास्ट था जो कि रह गया था हमारा देखने वाला, बाकी ओवरऑल सारा सीन उसका ये है, ओवरऑल यार अच्छा बना हुआ, लेकिन मसला ये है कि ये लोग ना बाकी ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे हैं, 50-50 वाला सीन है, 50 अपने जो इन्होंने अपने दिमाग लगाए हुए हैं, 50 बाकी ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे हैं ये लोग। यार ओवरऑल एग्जीबिशन तो अच्छी है, नॉट बैड, बाकी मेरे कमेंट्स तो इग्नोर करना नहीं यार, ओवरऑल चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो समझ नहीं आ रही, लेकिन कुछ चीज़ें जो कि समझ आई हैं, जैसे ये बाजी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, बाकी सब कुछ ठीक था यार। अब टाइम है दूसरा फ्लोर एक्सप्लोर करने का। सोफा डिज़ाइन किया हुआ है ये, लेट्स सी फ्रॉम द फ्रंट। हाँ तो ये है जनाब फ्यूचर डिस्प्ले, कह रही फर्नीचर डिस्प्ले, अच्छे डिज़ाइन किए हैं ये, सही है अंकल ने, अंकल हैं पता नहीं कौन है, खुद डिज़ाइन करके खुद बैठे हैं। ओवरऑल खैर ये सीन है फर्नीचर डिस्प्ले का, फ्यूचर डिस्प्ले जिसको मैं कह रही थी। तो ये लेदर और शूज डिस्प्ले यार, कसम से मुझे लगा कि बंदी ना डिस्प्ले हुई हुई है। यार मैं कैसे कैसे कंट्रोल करूँ मुझे नहीं समझ आ रही है। सो दिस इज द डिस्प्ले ऑफ टेक्सटाइल डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन स्टूडियो था ये, बाहर तो लिखा हुआ था ये। यार लोग तो सुकून से बैठे हुए हैं, अरे वो गद्दे हैं कि तस्वीरें हैं, तस्वीरें हैं। तो भाई ये है ब्यूटी प्रोडक्ट्स की डिस्प्ले, लिटरली मैं मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी सीरियसली लेंगे मेरी बात को, मैंने वहाँ पे नोट लिखा गिव सम मील, और ये मुझे लगा मील होगा, ये तो रैपर हैं चीज़ों के, उन्होंने कहा भाई इतने में इतना ही मिलता है, दफा जो गेट आउट हो जाओ यहाँ से। अच्छा इनकी एक चीज़ है कि इनकी सबकी चीज़ें ना एक दूसरे से डिफरेंट हैं, किसी की भी सेम नहीं है, चीज़ें सेम नहीं होती। अच्छा ओ यार ये कितने प्यारे हैं यार, ये मीशो की कॉपी की हुई है उन्होंने, जनरेशन ब्रदर, ये तो अखबारें हैं।
डन हो गया, ये मेरी दोस्त की मेरी मेहंदी का सूट डन हो गया। बेटा तो मेरी शादी पे जाना पहन के नहीं भाई ऊपर यहाँ पर ये पहन लो, देखो ये पहन लो, ये डन करो। अच्छा ये किस चीज़ की एग्जीबिशन है? अरे ये तो बता एग्जीबिशन किस चीज़ की है। वाह ये गुब्बारे भी मिलेंगे सूट के साथ हमें। ये स्पाइडर वूमेन के लिए है, जो स्पाइडर वूमेन बनती है ना ये उनके लिए है। स्पाइडर मैन के लिए नहीं है, ये स्पाइडर वूमेन के लिए है सारे। हाँ ये भी सही है यार, ये वाइट वाली थीम फिर भी बेहतर लग रही है। ये जो अजीबोगरीब खट्टे कलर रखे हुए हैं इन्होंने, अरे ऐसी क्यों आ रही है मुझे तो पाँव दर्द कर रहे हैं अब। खैर ये सारी इन लोगों की थीम शीम्स हैं, इस पर इन्होंने स्टोरी लिखी होगी सारी कि हमने ड्रेसेस क्यों बनाए हैं। तो नोट छोड़ के जहाँ पे नोट्स लिखे होते हैं ना मैं लाजमी नोट छोड़ के जाती हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे नोट्स देखे होंगे तो मैं हुबा का अकाउंट मेंशन करूँगी, वहाँ देखना डीजी ने। अरे इट्स गुड, ये प्यारा लग रहा है यार। हाँ ये क्या, मैंने अगर मेडिकल के अलावा भी कहीं पे हाथ पाँव मांजे होते हैं तो मुझे पता होता नहीं, उसका ना वो लिखा हुआ इंट्रोडक्शन मतलब उसका वो लिखा हुआ कि ये क्या है। ड्रैगन्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, अरे ये ड्रैगन है। मैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकती, देखो मैंने नोट मेंशन कर दिया, अभी हुबा को बुलाती हूँ वो लिख देगी, वो वीडियो बना देगी इसकी यार। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ना सारी बातों में हुबा की बात बहुत अच्छी लगी कि ना मतलब यूनिवर्सिटी वाले जो है ना ये लोग बाकी फैशन को प्रमोट कर रहे हैं, ये वो फैशन है जो कि ये मीट गाला में रिसेंटली एक्ट्रेसेस ने पहना है, लाइक इस तरह का हो गया। और ये तो वो ड्रेस है जो वफ़ी जवेद पहनती है, हम उसको प्रमोट क्यों कर रहे हैं यार, समझ नहीं आ रही मुझे। हुबा चलो भाई घूम ली पूरी यूनिवर्सिटी, बस खत्म यूनिवर्सिटी। तो बहुत मोए मोए हो गया हमारे साथ, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई हुई है उन्होंने और अंदर क्लासेस छोटी छोटी सी हैं। बट खैर हमारा व्लॉग एंड होता है यहाँ पे, सारा हम लोगों ने देख दुख लिया है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। और तब तक के लिए आपने मुझे शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और जो मेरे नोट्स वगैरह मेंशन किए हैं वो हुबा का अकाउंट में मेंशन कर दूँगी, वहाँ पे देख लेना कि मैं वहाँ क्या शरारतें करके आई हूँ।